सुप्रभात विद्यार्थी, आज हम हिंदी भाषा व्याकरण चैप्टर 3 शब्द विचार का पठन करेंगे। पार्ट चैप्टर 3 शब्द विचार। हिंदी भाषा में अ, आ, ई, ई आदि 11 स्वरों तथा क, ख, घ आदि 33 व्यंजनों का वर्ण हो जाता है। इन वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, जैसे पुस्तक, मैना और सूरज, तीनों विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। पौधा प धन औ धन धा प्लस आ है। उसी प्रकार चिड़िया सूरज, ये तीनों शब्द है, इनका कोई ना कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? शब्द। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया? 4। देखिए यहाँ पे लिखा है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के अधिकार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार में होता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, तेजस, विदेशी और संकर। क, तत्सम, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि, ग्राम, कवि आदि। तद्भव शब्द, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर परिवर्तित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे सौ, सौ को क्या बोलते? सत। सांप को क्या बोलते? सर्प। घी को घृत, माता को मातृ आदि। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची, देखिए यहाँ पे तत्सम लिखा है और इधर तद्भव। जैसे गौ को क्या बोलते हैं? गाय। तत्सम, फिर शीर्ष को क्या बोलते हैं? सिर। कपोत को कबूतर। महिषी को क्या बोलते हैं? भैंस। गर्भ को क्या बोलते हैं? गधा। घोटक को क्या बोलते हैं? घोड़क। और अक्षी को क्या बोलते हैं? आग। उसी तरह इधर भी ऐसी लिखा है। नेक्स्ट पेज में आते हैं हम, देशज शब्द है, ऐसे शब्द जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिचड़ी, पेटी, जूता, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो दूसरे देशों की भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी में गैस, पेट्रोल, ड्राइवर, मशीन आदि, ये सब क्या है? इंग्लिश शब्द है। फारसी में हजार, खून, फौलाद, रोशनदान आदि। अरबी में किताब, आदमी, औरत, फकीर आदि। संकर शब्द, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे टिकट घर हो गया, चिड़िया घर हो गया और डाक घर हो गया, है ना, मोटर गाड़ी हो गई। ये जैसे टिकट घर, टिकट क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। घर क्या हो गया? हिंदी। डाक, डाक यानी हो गया विदेशी भाषा, और गाड़ी है जो हिंदी भाषा। मोटर, मोटर अंग्रेजी भाषा है और गाड़ी जो है हिंदी भाषा। बनावट के आधार पर, ठीक है, बनावट के आधार पर आते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और यदि किए भी जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर को तोड़ सकते हैं क्या? घ और र हो गया, नहीं तोड़ सकते। हाथी, पानी, दिन आदि। यौगिक शब्द, दो सार्थक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे हिमालय, हिम, धन, आलय। पाठशाला, पाठ, धन, शाला। रसोई घर, रसोई, धन, घर। नील कमल, नील, धन, कमल आदि। योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो है पर उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में होता है, रोग योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यौगिक शब्द बोला है जिसका दो अलग अलग हम टुकड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और रूढ़ शब्द वो होता है जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते। और रोग यूढ़ बोल रहे हैं तो उसमें भी किसी शब्द का कुछ मतलब होता है, उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नीलकंठ, नील, धन, कंठ, जिसका कंठ नीला हो उसका अर्थात शिव। दशानन, दशानन मतलब होता है जिसका दश मुख हो, रावण। हलधर, हलधर मतलब होता है हल धारण करने वाला बलराम। इसका कोई ना कोई मीनिंग है, उसको बोलते हैं हम योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर बताना है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द, बाल मतलब बालक के होता है, एक नाम है बच्चा है तो क्या है संज्ञा, वह मतलब सर्वनाम, हरा मतलब विश्लेषण, जाएगा मतलब क्रिया, बालिका परिवर्तित रूप है, बालिका बालिकाओं, बालको, वे, वह का क्या हो गया वे, हरा का क्या हरी हरे, जाएगा उसका क्रिया क्या हो जाएगी 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 जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। ख, अविकारी शब्द, अविकारी बारे के शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विश्लेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयमादिक बोधक। क्रिया विश्लेषण, जैसे क्रिया विश्लेषण में क्या आएगा, कल, कम, उधर, धीरे धीरे आदि। संबंधक बोधक, के साथ, के बिना, के बराबर, के आगे आदि। समुच्चय बोधक, तथा, परंतु, अथवा, क्योंकि आदि। हम किसी शब्द को लिखते हैं तो वहां पे बोलते हैं ना क्योंकि, लेकिन, ये शब्द क्या हो गया समुच्चय बोधक। फिर विस्मयाति बोधक, ठीक है, विस्मयादिक बोधक, वाह, अरे, हाय, आहा आदि, ये सब क्या है विस्मयादिक बोधक। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिसका जो ऐसा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सार्थक शब्द। जैसे रोटी, वाणी, कक्षा, है ना, सड़क आदि। निर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है निर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वोटी, वाणी, वक्षा, वड़क आदि। इसका कोई अर्थ है क्या, नहीं। रोटी यानी क्या होता है, जो हम खाते हैं वो, वाणी मतलब जो बोलना, कक्षा मतलब जो हम पढ़ते हैं, जहाँ क्लास है उसको बोलते हैं कक्षा, ठीक है। आप लोग का वर्क कंप्लीट होता है बेटा, उसके बाद आपको मैं अभ्यास करो का क्लास वर्क दूंगी, आपको ये कंप्लीट करना है। आइए हम उसके आगे का कुछ और पढ़ते हैं। अपठित गद्यांश चैप्टर ये एट, ठीक है, सॉरी चैप्टर 18 है ये, अपठित गद्यांश। यहाँ पे देखिए अपठित गद्यांश होता है, उसका मतलब ये होता है आपको कुछ बड़ा सा सारांश लिख के दिया जाएगा, उसके बारे में उसको पढ़ना है, उसके बाद जो गद्यांश रहेगा उसका आंसर आपको, कुछ क्वेश्चन भी दे रहे, प्रश्न दिया जाएगा, उसको आपको ढूंढ के उसमें से आंसर निकालना होता है, उसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित सामग्री को पठित कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसी सामग्री जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में से ना होकर बाहर से पूछी जाती है अपठित कहलाती है। अपठित मतलब होता है जो हमने पुस्तक में नहीं पढ़ी है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। अपठित मतलब वही होता है जो हमारे पुस्तक के बाहर के बारे से पूछा जाता है, उसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। ओके, अतः यह हम कह सकते हैं कि जो गद्यांश हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम से ना होकर अन्य पुस्तकों से लिया जाता है अपठित गद्यांश कहलाती है। परीक्षा में अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि हमारे ज्ञान का परीक्षण हो सके। अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे कम से कम दो बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपठित गद्यांश वो होता है बेटा, देखो उसमें आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के हम लोग देंगे, उसमें से आपको आंसर ढूंढना है, उसके बाद उसका उत्तर आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर में क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश में से पढ़कर सही सही लिखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया तो गद्यांश के भाव को समझकर विषय से संबंधित छोटा या आकर्षक शीर्षक लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया, जैसे मैं नहीं जानता यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया कि पढ़ाई में सुंदर लेखन होना आवश्यक नहीं है। बाद में
दक्षिण अफ्रीका में जब मैं वकीलों के के तथा वहां जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं बहुत शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। इसके बाद मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पक्के घड़े पर कहीं गला जुड़ता था। ठीक है, गला जुड़ता था। उसके बाद क्या है, जबानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की उसे मैं आज तक नहीं कर सका। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी राय है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए, जिसे जिस तरह पक्षियों वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता भी है। उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। देखिए, ये एक अपठित गद्यांश है। अब उसने नीचे देखो, आपको प्रश्न पूछा गया, गांधी जी को कौन सा गलत ख्याल हो गया, तो इसमें से आपको ढूंढना है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे लिखा है, गांधी जी पर दक्षिण अफ्रीका के नवयुवकों की किस बात का असर पड़ा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन दिया है उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया है, गांधी जी को यह गलत ख्याल हो गया कि पढ़ाई में सुंदर लेख होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको दो ठो अपठित गद्यांश जी है उसको रिपीट करना है और उसको याद करना है बेटा। हाफ एल एग्जाम में आप लोग का आएगा। टुडेज वर्क कम्प्लीट। थैंक यू।